नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं सोयाबीन से बहुत बढ़िया डिश बनाऊंगी, आपको दिखाती हूँ, बने रहिए आप मेरे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे पानी ले रखा है और यहाँ पे मैं सोया चंक्स ली हूँ। अब मैं इसको पानी में उबालूंगी। मैंने पूरे पैकेट को अच्छे से निकाल के चेक किया था। अब मैं इसको पानी में डाल दी। अब मैं इसको 2 मिनट तक अच्छे से बॉईल करके फिर मैं इसको निकाल लूँगी। मैं इससे बनाऊंगी चिली सोया। बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी होता है, हेल्दी भी होता है। आपको हफ्ते में कम से कम 3 दिन को खाना ही चाहिए, सेहत के लिए बहुत बढ़िया होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एकदम अच्छे से फूल चुका है। अब मैं इसको निकाल करके ठंडे पानी से धुलूंगी, धुल करके गार के अच्छे से रखूंगी। थोड़ा सा मैदा लूंगी और जितना मैदा लूंगी उतना ही आरा रोट लूंगी। दोनों को एक मात्रा में लेना है, इसका अच्छे से पेस्ट बनाना है। दोनों बराबर बराबर ले लिया मैंने, मैदा और आरा रोट दोनों बराबर मैंने ले लिया है। अब मैं इसमें हल्का सा मिर्ची पाउडर डालूंगी, हल्का आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही मैं इसमें सफ़ेद नमक डालूंगी, जो हम खाते हैं नमक। काला नमक नहीं डालना है, सफ़ेद नमक डालना है। तो आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया। अब मैं इसमें पानी डाल के इसको अच्छा सा पेस्ट बनाऊंगी, हल्का हल्का पानी डालते जाऊंगी, पेस्ट इसका तैयार करूंगी। एक बार पानी डाल देंगे तो इसका गोला बन जाएगा, फिर अच्छे से पेस्ट नहीं तैयार हो पाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए, इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसको अच्छे से तैयार करके रेडी कर दिया है। अब यहाँ पे इसको मैंने उबाल लिया है अच्छे से, मैंने इसको अच्छे से चेक कर लिया। अब इसका पानी जो है, इसमें पानी है, इसको हाथ से अच्छे से गाड़ दूंगी मैं, सारे पानी को, सारा पानी निकाल देना है, इसको एकदम सूखा कर देना है। अब इसका सारा पानी निकल चुका है, अभी एकदम सूखा हो चुका है, देख पा रहे हैं। मैंने पेस्ट में इसको डाल दिया है, अभी अच्छे से हो जाएगा। मैं इसको मैंने कढ़ाई में तेल पहले से रख रखा था, तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसको आराम से कढ़ाई में डालती जाऊंगी और इसको छान के आराम से निकालती जाऊंगी। जैसे आप देख पा रहे हैं, सोया चंक्स को मैंने अच्छे से फ्राई कर दिया है। मैंने इसको डबल फ्राई किया है, क्यों? डबल फ्राई करने से थोड़ा ये कड़क हो जाता है और इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं रहता है, इसलिए डबल फ्राई करना अच्छा होता है सेहत के लिए। मैंने कढ़ाई लिया, कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाली हूँ, तेल मेरा गर्म है। अब मैं इसमें कटी हुई लहसुन डालूंगी, मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी 1-2 सेकंड के लिए। अब लहसुन थोड़ा सा सुनहरा हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी कटी हुई प्याज। प्याज को 1 प्याज में 4 टुकड़ा करके अलग अलग करके इसको मैंने रख लिया था। अब मैं इसको इसमें डालूंगी। अब मैं इसको 2 मिनट तक इसको भी फ्राई करूंगी मैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि प्याज मेरा अच्छे से सुनहरे कलर का हो चुका है। अब मैं इसमें कटी हुई शिमला मिर्च को डालूंगी और इसको भी 1 मिनट तक अच्छे से पकाऊंगी। शिमला मिर्च भी अच्छे से हो चुका है। अब मैं इसमें 1 कटा हुआ टमाटर डाल रही हूँ, इसको भी डाल करके मैं थोड़ा सा चलाऊंगी। उसके बाद आप बने रहिए मेरे साथ। अब मैं मसाला इसमें डालूंगी, ये कूटी हुई काली मिर्च है, मैंने इसको डाल दिया 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच अजीनोमोटो डालूंगी मैं इसमें, जो कि मैंने डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें 2 चम्मच शेजवान चटनी डालूंगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डालूंगी। अब मैं इसमें 2 चम्मच विनेगर डालूंगी, मैं चम्मच से नहीं डाल रही हूँ, डब्बे से ही डाल रही हूँ, हिसाब से डालूंगी 2 चम्मच। इसमें 1 चम्मच टमाटर केचप डालूंगी, 1 चम्मच के हिसाब से। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी और स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, नमक मैंने डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके, मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें 1 चम्मच हरी चटनी डालूंगी, 1 चम्मच हरी चटनी मैंने डाल दिया इसमें। अब मैं इसको 2-3 मिनट अच्छे से पकाऊंगी। देख रहे हैं ग्रेवी मेरा बन गया है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा ग्रेवी वाला बनाना है, इसलिए मैंने 1 गिलास पानी इसमें डाल दिया। अब मैं इसको पकाऊंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब मेरा ये अच्छे से बन चुका है। अब मैं ये 1 चम्मच आरा रोट अच्छे से घोल के रखी हूँ, इसमें गाढ़ा करने के लिए ये डालना जरूरी होता है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा डालूंगी और चलाते जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा डालते जाऊंगी, चलाते जाऊंगी। इससे ग्रेवी जो है गाढ़ा होता है और टेस्टी बनता है। अब मैंने इसको पूरा डाल दिया है, अब मैं इसको चलाती रहूँगी 2 मिनट तक। देख पा रहे हैं ग्रेवी एकदम गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें सोया चंक्स डालूंगी। मैंने अपने पूरे फैमिली के लिए बनाया है, इसलिए मेरा ज़्यादा बनाया भाई। आप अपने हिसाब से, जितना आपके घर में फैमिली है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी, बहुत प्यारा बना हुआ है, खाने में बहुत मज़ा आएगा। आप भी अपने घर पर बनाइए और खाइए, इंजॉय करिए। मेरे लिए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।